हाय स्टूडेंट्स, आज अपना जो 10th लेसन है बचा हुआ है, जो पिछले वीडियो में पढ़ाया था उससे आगे कई पैराग्राफ अपन पढ़ाते हैं। तो उससे पहले अपन क्या है, हार्ड मीनिंग देख लेते हैं ताकि आप क्या है ट्रांसलेशन हो तब आपको दिक्कत न हो। सर्कमस्टेंस में सभी परिस्थितियां, वैक्सीनेशन, टीकाकरण, इम्यूनाइजेशन, प्रतिरोधक शक्ति, इन्फेक्शियस छूत की बीमारी, सर्जिकल होता है, शल्य चिकित्सा संबंधित है, इंटरवेंशन होता है हस्तक्षेप, मेटरनल होती है माता की, अब्सेस होता है परेशान होना, एट्रीब्यूट मीन्स होता है कारण बताना, अचीव्ड मीन्स होता है प्राप्त करना, डिनाइंग मीन्स होता है अस्वीकार करना, फ्रीक्वेंटली मीन्स होता है बार बार, यानी कि किसी चीज को रिपीट करना फ्रीक्वेंटली बार बार, रिफ्लेक्टेड यानी कि प्रतिबिंबित होना, साइकोएनालिस्ट मीन्स होता है मनोविशेषज्ञ, साइकेट्रिस्ट मनोचिकित्सक, कंपनसेशन मीन्स होती है दयालुता, रिलाइंग मीन्स होता है मुक्त करना, एसोसिएटेड मीन्स होता है संबंधित। तो ये तो हो गए अपने हार्ड मीनिंग। अब इसके बाद अपन क्या करते हैं, अपना लेसन शुरू करते हैं। दिस डज नॉट मीन दैट वी डू नॉट नीड मेडिकल केयर। इसका अर्थ यह नहीं है कि हमें डॉक्टरी देखरेख की आवश्यकता नहीं है। वी डेफिनेटली नीड प्रॉपर मेडिकल केयर अंडर सर्टेन सर्कमस्टेंस। कुछ निश्चित परिस्थितियों में हमें निश्चित रूप से डॉक्टरी देखरेख की आवश्यकता है। वी नीड प्रॉपर वैक्सीन एंड इम्यूनाइजेशन अगेंस्ट इन्फ्लुएंजा डिजीज। छूत की बीमारियों के विरुद्ध हमें उचित टीकाकरण और अवरोधक शक्ति की आवश्यकता है। प्रॉपर ट्रीटमेंट ऑफ डिजीज बाय मेडिकल एंड सर्जिकल इन्वेंशन व्हेन रिक्वायर्ड, और जब भी आवश्यकता हो डॉक्टरी और शल्य चिकित्सा द्वारा बीमारियों के उचित इलाज की आवश्यकता है। प्रॉपर मैटरनल केयर बिफोर एंड आफ्टर चाइल्ड बर्थ। बच्चे के जन्म के पूर्व एवं बच्चे के जन्म के पूर्व एवं पश्चात माता की उचित देखभाल एंड रेगुलर मेडिकल चेक्स आफ्टर द एज ऑफ 40 years, और 40 वर्ष की आयु के पश्चात नियमित डॉक्टरी जांच की आवश्यकता है। हाउएवर देयर इज नो नीड टू अब्सटेंस अबाउट अवर हेल्थ। फिर भी हमारे स्वास्थ्य के विषय में परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। एंड वी शुड अवर ओन स्टेंस एंड नॉलेज टू डिसाइड, और हमें स्वयं की वर्ती तथा ज्ञान का उपयोग निर्णय कर लेना चाहिए। व्हेन मेडिकल इन्वेंशन इज रेगुलर नेसेसरी, कि कब डॉक्टरी हस्तक्षेप या डॉक्टरी इलाज वास्तव में आवश्यक है। व्हाइल मोस्ट पीपल इन डेवलप्ड कंट्री एंजॉय बेटर हेल्थ, जबकि विकसित देशों में अधिकांश व्यक्तियों का अधिक अच्छा स्वास्थ्य
है द डॉक्टर ऑफ दोज कंट्री अट्रीब्यूट दिस बेटर फिजिकल हेल्थ लीगली टू इम्प्रूव मेडिकल फैसिलिटीज। उन देशों के डॉक्टर इस अधिक अच्छे स्वास्थ्य का कारण विकसित डॉक्टरी सुविधाओं का होना बतलाते हैं। दे टेंड टू इग्नोर अदर इम्पोर्टेंट सोशल फैक्टर्स सच एज हायर स्टैंडर्ड ऑफ एजुकेशन। वे अन्य महत्वपूर्ण सामाजिक तत्वों पर ध्यान नहीं देते जैसे शिक्षा का उच्च स्तर, वेल्थ, संपत्ति अधन, न्यूट्रिशन एंड क्लीनर एनवायरनमेंट एंजॉय बाय मोस्ट ऑफ दिस पॉपुलेशन, पोषक तत्व और अधिक स्वच्छ वातावरण जिन्हें यहाँ के अधिक लोग प्राप्त करते हैं, वो इन चीजों पे ज्यादा ध्यान नहीं देते। इट मे बी हेल्पफुल टू रियलाइज दैट, यह सूचना इस बात को समझने के लिए सहायक होगी कि यह इस बात को समझने के लिए सहायक होगी ऑल दो पीपल इन वेल्दी एंड डेवलप्ड नेशन हैव मोस्ट अचीव बेटर फिजिकल हेल्थ देन पीपल इन डेवलपिंग वर्ल्ड। Although people in wealth and developed nation have mostly achieved better physical health, कि विकासशील देशों की तुलना में धनी एवं विकसित राष्ट्रों के लोगों ने अच्छा शारीरिक स्वास्थ्य प्राप्त कर लिया है। Then people in developing world, men of suffering from deline basic human values, किंतु उनमें से अधिकांश व्यक्ति आधारभूत मानव मूल्य की गिरावट से पीड़ित हैं। This is frequently reflect complex problems such as ड्रग डिपेंडेंस, और प्राय क्लिष्ट समस्याओं से इनमें बहुत सी समस्याएं हैं। देर इज फ्रिक्वेंटली रिलेटेड इन कॉम्प्लिकेट प्रॉब्लम सच एज, और यहाँ पर बहुत सी जटिल समस्याएं हैं जैसे कि ड्रग डिपेंडेंस, नशीले पदार्थों पर निर्भरता, साइकोलॉजिकल एंड मेंटल इलनेस, मनोवैज्ञानिक मानसिक दबाव एंड स्ट्रेस रिलेटेड डिजीज, और क्या है, तनाव से संबंधित बीमारियां, फैमिली टाइज आर ब्रेकिंग डाउन एंड क्लोज, पारिवारिक बंधन टूटते जा रहे हैं और निकटता की भी क्या हो रहे हैं, फैमिली टाइज ब्रेकिंग डाउन, पारिवारिक बंधन टूटते जा रहे हैं, टू क्लोज हैप्पी, और निकटता भी क्या है, कम होती जा रही है। हैप्पी ह्यूमन बी ह्यूमन इंटरेक्शन आर बिकमिंग लेस कॉमन, और पारस्परिक क्रियाएं कम होती जा रही हैं। टू कोप विथ दिस डिफिकल्ट सिचुएशन, इन कठिन परिस्थितियों को निपटने के लिए प्राय लोग पीपल ऑफ्टन टर्न, प्राय लोग जाते हैं किन की तरफ, साइकोलॉजिस्ट एंड साइकेट्रिस्ट फॉर प्रोफेशनल हेल्प। तो
तो प्राय मनोविश्लेषक और मनोचिकित्सकों के पास पेशेवर सहायता के लिए जाते हैं। आवर एज्ड aunts एंड वाइज friends used to solve similar problem by listening, showing, understand, compensations as they believed it most important, realize distract person mind. Our aged aunt, हमारी वर्ध चाचियां, wise friend, बुद्धिमान मित्र, used to solve similar problem, इस प्रकार की समस्याओं को by listening and showing understand companion, इस प्रकार की समस्याओं को सुनकर और समझदारी तथा showing understanding companion as believe most important realize distract person mind, तो इस प्रकार की समस्याओं क्या करते हैं, समझदारी तथा करुणा दिखाकर हले क्या करते हैं। As they believed, जैसे कि वे विश्वास करते हैं, it was important to realize, क्योंकि वे विश्वास करते हैं, जिसमें it was most important to realize distressed person mind, क्योंकि वे विश्वास करते हैं कि पीड़ित व्यक्तियों के मस्तिष्क को राहत देने के लिए ये सबसे महत्वपूर्ण है। Unfortunately, दुर्भाग्य से People from developing country are striving achieve the same level physical health as they enjoy by developed nation by providing medical facility to cope even the minor health problem. Unfortunately, दुर्भाग्यवंश या दुर्भाग्य से people from many developed countries, अनेक विकासशील देशों के लोग are striving to achieve same level of physical हेल्थ कि विकसित देश के लोगों के शारीरिक स्तर को क्या करना चाहते हैं वो। पीपल फ्रॉम मैनी डेवलपिंग कंट्री कि बहुत सारे विकसित देशों के लोग आर ट्राइंग टू अचीव सेम लेवल, वे भी इसी स्तर को प्राप्त करना चाहते हैं वो फिजिकल हेल्थ एज दे एंजॉय डेवलप्ड नेशन, कि उसी शारीरिक स्वास्थ्य का आनंद लेना चाहते हैं जो कि विकसित राष्ट्रों ने प्राप्त कर रखे हैं बाय प्रोवाइडिंग मेडिकल फैसिलिटीज टू कोप विथ इवन माइनर हेल्थ प्रॉब्लम्स, स्वास्थ्य की छोटी समस्याओं के निराकरण के लिए डॉक्टरी सुविधाएं प्रदान करके। Other important factor associated with better physical health are being ignored. अच्छे शारीरिक स्वास्थ्य के लिए अन्य महत्वपूर्ण तत्वों पर ध्यान नहीं दिया जा रहा। Often the result is that may familiarize as spending more money on doctors इसका प्रभाव यह होता है कि अनेक परिवार क्या करते हैं, अनेक परिवार स्वास्थ्य often the result it many families इसका प्रभाव बहुत से परिवारों पर पड़ा है आर स्पेंडिंग मोर मनी ऑन डॉक्टर्स एंड मेडिसिन कि वह डॉक्टर्स और दवाइयों पर बहुत अधिक पैसा खर्च करते हैं ऑन हेल्दी फूड बजाय कि स्वस्थ खाने के एंड अदर एसेशन इम्प्रूव फिजिकल इन्वायरमेंट तो क्या करते हैं वह स्वस्थ भोजन और प्राकृतिक वातावरण में सुधार और अन्य आवश्यक वस्तुओं पे खर्च कम करते हैं बजाय कि डॉक्टर सुविधा डॉक्टर की देख जांच के लिए और दवाइयों के लिए ज्यादा खर्च करते हैं। फॉर द डेवलपिंग वर्ल्ड दिस इज ट्रेमेंडियस वेस्ट लिमिटेड रिसोर्स
और विकासशील देशों के लिए सीमित साधनों की यह भयंकर बर्बादी है।